ब्रेकफास्ट शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जीका के जाल की बात फिर से होगी क्योंकि इस जाल में अब तक 29 जानें फंस चुकी हैं। तो इस जाल को बुन रही है प्रशासनिक बेपरवाही। लापरवाही के ताने बाने पर कई दफा हमने हमला किया लेकिन ये इतने बड़े चिकने घड़े हैं कि इन पर कोई असर कहां जल्दी होता है। बेशर्मी का हाल भी देखिए कि अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश भी जी जान से की जाती है। ये हाल तब होता है जब जीका दिल्ली तक को हिला देता है। दिल्ली से जवाब तलब होता है तो जयपुर में भी आनंद फानंद में वर्कशॉप होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन सवाल यह है कि पहले इन आंकड़ों को छुपाया क्यों जा रहा था और लगातार मामले बढ़ने पर चिताने पर भी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी जा रही थी। जितनी कोशिशें सच्चाई को छुपाने के लिए की जा रही थी उतनी कोशिश इस वायरस से लड़ने के लिए क्यों नहीं की गई थी। चुप्पी जरूर टूटी है लेकिन नींद नहीं टूटी है, ना प्रशासन की ना नगर निगम की। तो हम तब तक उनको झकझोरने का काम करते रहेंगे जब तक वो जागते नहीं है, क्योंकि बात जिंदगी की है तो जवाब तो देना पड़ेगा। को हमने जगाया, पानी सिर के ऊपर जाता है तभी हम क्यों जाते हैं। आज चिकित्सा मंत्री काफी एक्टिव दिखाई दिए, बैठक हुई, निर्देश जारी किए गए, पहले क्यों नहीं। 4 अक्टूबर को रिमाइंडर दिलाया, जो भी समीक्षा बैठक थी उसमें सब तत्पर अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसके तहत आगे के स्टेप लिए गए हैं। ये पक्की बात है कि जैसे जैसे तो जीका फैल क्यों रहा है सर। अब मचा हाहाकार, पहले क्यों नहीं जागे जिम्मेदार। राजस्थान में जीका के मरीजों की संख्या 29 तक जा पहुंची है। जीका संक्रमण के फैलने की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ चिंतित है। प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में एक नियंत्रण कक्ष तैयार किया गया है। संक्रमण का खतरा दिल्ली और बिहार में भी है। बिहार सरकार ने अपने सभी 38 जिलों पर नजर रखने के निर्देश दिए। हैरानी की बात यह है कि जयपुर का स्वास्थ्य महकमा अभी तक जीका के फैलने की गंभीरता पर सभी को अंधेरे में रखे हुए था। अब तक सिर्फ 7 लोगों में जीका वायरस पॉजिटिव पाए जाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीका के 22 मरीजों की पुष्टि की तो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को बताना पड़ा कि अब तक 29 लोगों में जीका की पुष्टि हो चुकी है। वहाँ उस क्षेत्र में बहुत सारे घरों में पानी की टंकियां खुली हुई हैं, जब टूटी हुई है और खुली हुई है, तो खुली हुई टंकियों को ढकना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि टंकियां खुली रहेंगी तो लार्वा फिर से पैदा होगा। हम एक बार साफ कराएंगे, दो बार साफ कराएंगे, तो अल्टीमेटली जो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मैं कह रही थी कि मच्छर पर ऑल आउट अटैक चाहिए हमें, तो मच्छर पर ऑल आउट अटैक सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब तक लोग खुद इसके बारे में जागरूक होके और वो खुद हर जना केवल अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले कि भाई मुझे अपने घर में मच्छर को नहीं रहने देना है, तो हम मतलब बहुत ही जल्दी इस पे काबू पा सकते हैं। जीका जैसी खतरनाक बीमारी जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है, उस पर ऐसी उदासीनता कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या वाकई जिम्मेदार अभी तक इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि जयपुर में जीका के मरीजों की संख्या 7 नहीं 29 है। अगर ऐसा नहीं है तो जीका के फैलने की बात क्यों छिपाई जा रही थी। लोगों को जागरूक करने के बजाय इस गंभीर खतरे को क्यों पनपने दिया गया, जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए बात जिंदगी के है तो फर्स्ट इंडिया सबसे ज्यादा अवेयर है इस चीज को लेकर कि एक भी जान नहीं जानी चाहिए। इस लापरवाही की वजह से बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मुहिम हम लगातार चला रहे। 22 सितंबर को जब पहला मामला सामने आया था, सबसे पहले खबर हमने ब्रेक की थी। 24 तारीख को बताया था कि किस तरह से लापरवाही का आलम है, जाग जाइए, नहीं जागे, अलार्म बजाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। फिर से 4 अक्टूबर को रिमाइंड कराया कि सर स्थिति खराब हो रही है, 7 मामले अब और सामने आ गए हैं, क्या कर रहे हैं आप, लेकिन कोई असर नहीं। और नतीजा ये कि 29 लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। आंकड़े छुपाने की कोशिश की जाती है, जब भी सवाल किया जाता तो कहा जाता है कि इस फेर में मत पड़िए, हमारी कोशिशों को देखिए। देख रहे हैं साहब कोशिशों को, क्या कोशिशें हो रही हैं, और इतनी शर्मनाक स्थिति है कि मेयर अशोक लाहोटी आज तक सामने नहीं आए हैं।
जिस तरह से ये जाल बढ़ता जा रहा है, मेयर साहब की कितनी जिम्मेदारी बनती है, डिप्टी मेयर की कितनी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आया अब तक सामने, एक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, ना मीडिया के सामने आए हैं। जितनी बार भी उनको यहाँ पर बुलाया गया वो कंडी काटते दिखाई दे। अब ऐसे में जब यहाँ पर एसीएस वीनू गुप्ता कहती है कि पहली प्राथमिकता है मच्छरों को खत्म करना, क्या अकेले स्वास्थ्य महकमा ये कर पाएगा? क्या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है? और स्वास्थ्य महकमे की बात भी हम करें तो बहुत जादूगरी यहाँ पर की जाती है, चीजों को छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छुपती नहीं है। और आज कई सवाल फिर से होंगे क्योंकि बात जिंदगी की है, बार बार ये बात हम कह रहे हैं। चलिए आप हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। बीजेपी के एसएस अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, और साथ ही आरपी माथुर जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं हेल्थ के। क्योंकि पहला जब एपिसोड था जब हमने पहली बार जीका को लेकर अवेयर किया था तब वो यहाँ पर थे, तब उन्होंने कहा था बहुत कोशिशें हो रही, लेकिन कोशिशें कैसी कि मामला 1 से 29 तक पहुंच जाता है। और आज आपको उसी शास्त्री नगर की हकीकत भी दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि हर तरफ चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, पूरी तरह से अलर्ट मोड में वहां पर प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, नगर निगम है, लेकिन हकीकत आपको दिखाएंगे कि अभी वहां पर गंदगी का आलम है। सबसे पहले आरपी माथुर जी से बात करते हैं, उसके बाद शिवेंद्र के पास जाएंगे, हकीकत दिखाएंगे। आरपी माथुर जी, जब पहली बार हमने अलार्म बजाया था तब आप इसी स्टूडियो में थे, आपने कहा था कोशिशें की जा रही है, कैसी कोशिशें की 1 से 29 तक आंकड़े पहुंच जाते हैं और जब जब जवाब मांगा जाता है कन्नी काट ली जाती है? ऐसा नहीं, इसमें विभाग पूरी तरह से जागरूक है। जो 22 सितंबर को जब हमारे पास पहली खबर आई उसी दिन से हमारी टीमें क्षेत्र में पहुंच गई, और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है जीका कंटेनमेंट के लिए उसके अनुसार हमने पूरी कार्रवाई की है। जो इंडेक्स तो केस 29 मामले कैसे हो गए सर, एक छोटा सा इलाका आप उसको नहीं संभाल पाए, वहां पर आप इतनी एक्चुअली इसका कारण ये है कि ये जो प्रथम केस जो शकुंतला देवी 85 इयर्स की महिला है, इसका जो पाया गया था तो वो हमारे जो लोग सर्विलेंस ऑलरेडी जो चल रहा है वीआरडीए लैब जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में है उसमें इसको वहाँ पे पॉजिटिव ये पाया गया था, और इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो ये पाया गया कि लोकल ट्रांसमिशन वहाँ चल रहा है। तो लोकल ट्रांसमिशन वहाँ होने से जो आसपास फिर जो सेकंड केस इनके घर से 3 घर दूर मिला और आसपास और केस जो मिले, जो एडीजी जब टाइम सवाल तो वही है सर, सवाल तो वही है कि जब आपको पता है कि एक इलाके में एक ऐसा शख्स है जो इससे पीड़ित है तब तो आपकी घंटी बजनी चाहिए थी ना कि उस पूरे इलाके को एक बार छान डालिए, वहाँ फॉगिंग कर डालिए, एक मच्छर ना बचे ऐसी कोशिश कर डालिए। हमारे सर्विलेंस से ही पकड़ में आया है और उसके बाद तुरंत जैसी भी कार्रवाई हमको जो इसकी गाइडलाइन है उसके अनुसार करनी है टीमें बनाकर। आसपास के अस्पतालों में आपने कुछ नहीं किया उस वक्त? नहीं, अस्पताल से इसका कुछ मतलब भी नहीं है एक्चुअली, जो हमारी टीम है फिर किसका है, हमारी टीमें घर घर जा रही है। कब जागी, कब गई? उसी दिन से शुरू हो गया हमारा कार्यक्रम। 29 मामले कैसे सामने आया? क्या शास्त्री नगर एक पूरा जिला या एक पूरा राज्य बन गया है कि आप उसको नहीं देख पाए? ये बात ऑलरेडी लोकल ट्रांसमिशन इसका था और हमारी टीमें जो जा रही हैं वहाँ पे लगभग अब टीमों की संख्या बढ़ा दी हमने, 170 टीमें हैं वहाँ पे। चलिए, आप कह रहे हैं कि फॉगिंग हो रही, घर घर जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। सुनिए सुनिए, जो 3 किलोमीटर का एरिया है जिसके जिसमें 30,000 हाउस टू हाउस सर्वे की बात कही जा रही है। शास्त्री नगर का हाल दिखा देते हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है शिवेंद्र, जरा हकीकत बताइए शास्त्री नगर की। देखिए, शास्त्री नगर में ही इस जीका वायरस के सबसे अधिक मरीज सुषमा देखने को मिले हैं, और जब हम शास्त्री नगर में आए हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पर खासकर जिस बस्ती में मैं हूँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोगों में डर का और खौफ का माहौल है क्योंकि जीका वायरस है वो अपने आप में बहुत खतरनाक वायरस है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबू जी, आप बताओ, कोई टीम आई है मेडिकल की आपके घरों में बताने की जीका वायरस क्या है? नहीं, अभी तक तो कोई टीम नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं अधिकारी स्टूडियो में बैठ के कि हम तो घर घर जा रहे हैं शास्त्री नगर में। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि कोई ऐसी कोई टीम नहीं आई है, और ये शास्त्री नगर में जहाँ तक मेरा आइडिया ये गंदे नाले की वजह से ये मच्छर पैदा हो रहे हैं। तो कोई नगर निगम की टीम आई है फॉगिंग वॉगिंग कर रही है? अभी कोई फॉगिंग नहीं हुई है सर। आप बताओ, अशोक लाहौटी जो मेयर है जिनकी जिम्मेदारी है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि वो तो टिकट मांगने में बिजी हैं। मैसेज यही देना चाहेंगे, जब इलेक्शन आते हैं तभी वो जनता को याद करते हैं, अभी जब जनता परेशान हो रही है तो वो बिल्कुल भी पूछ नहीं आ रहे, और फॉगिंग की जो आप बता रहे हो यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रुकिएगा यहीं पे रुकिएगा, ये दो सवाल दो लोगों के, इनका जवाब ले लेते हैं। पहले डॉक्टर साहब, आपका जवाब अब दीजिए, हाउस टू हाउस आप सर्वे की बात कहते हैं, यहाँ तो लोग इनकार कर रहे हैं, बचबचाती नाली भी हमने देखी कि किस तरह से बचबचा रही है, उसमें मच्छर नहीं होंगे क्या? एक्चुअली जो नालियों की जो स्थिति दिखाई गई तो नगर निगम के कर्मचारी भी वहाँ पे लगे हुए हैं, हम लोग उनके साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। तो कहाँ कर रहे हैं सर? वहीं के दो लोग हैं, हम कहीं और नहीं है, हमारा भी रियलिटी चेक कर लीजिए आप चाहे तो।
नहीं, टीमें घर घर, हमारी जो अभी तक 769 टीमें जो 22 तारीख से हमने एक्टिविटी की है, लगभग 26,000 घरों का सर्वे किया है, टोटल जो 30,000 घर है वहाँ पर, और प्रत्येक घर में हमारी टीम जाके आई है वहाँ पे। पता जो नहीं घर में जाके आई है सर, ये आंकड़े ही समझ में नहीं आते। चलिए अग्रवाल जी, अशोक लाहोटी कहाँ है इस शहर में या नहीं है ये बता दीजिए, है शहर में? ये तो आपको, आप ही पूछ रहे हो, ये तो अब मेरे को मालूम थोड़ी है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि इनका केवल अशोक लाहोटी जी यहाँ पे है, ये पूरा एक तंत्र काम करता है, वो तंत्र काम करेगा। कब करेगा? कर रहा है। शास्त्री नगर जैसे इलाके में 29 मरीज है, क्या चाहते हैं कि पूरा जयपुर इसकी जंजाल में आ जाए? आपने आपने एक व्यक्ति से सुना है, एक के कह देने से सारे काम नहीं हो जाता है। जो हम कह रहे हैं वो क्या झूठ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 25,000 ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे एक से पूछा है आपने, एक से पूछा है आप जनता पे सवाल उठा सकते, वो जो यहाँ पर मरता है ना इंसान, उसकी दिल पे भाई उनके पास नहीं पहुंचा है। बैठ के बातें नहीं कर सकते, सुनिए ग्राउंड जीरो की हकीकत व्यक्ति अभी। अग्रवाल जी ग्राउंड जीरो को सुनिए पहले, शिवेंद्र कुछ और लोगों से बात कीजिए, इनको यकीन नहीं है इस पे। आप पूरी, अरे आप पूरी बात तो सुनिए, जनता को सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, जनता को सुन लीजिए, जनता को आप तो सुन लीजिए, शर्म करिए। 29 लोगों की जिंदगी, 3 गर्भवती महिलाएं मर जाएंगी, बच्चे अपंग होंगे तो क्या करेंगे? अरे अभी तक अभी तक आप जनता के अंदर भय मत फैलाइए। हम भय फैला रहे हैं, शर्म फैला रहे हो, हम भय फैला रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे माथुर जी, माथुर जी, हम भय फैलाने का काम कर रहे हैं। आपने कुछ आसपास में सुना है कि कोई मेडिकल की टीम आई हो? अगर ये सर्विलेंस नहीं करते तो ये 29 नहीं निकलते। इन्होंने इन्होंने 29 कैसे निकाला? इन्होंने 29 इसीलिए निकाला है, आपकी थोड़ी नहीं थी। 29 निकाल के कौन आया? आप केवल जोर से बोलने से और इस तरह करने से इंतजार कर रहे हैं आप? इंतजार कर ही नहीं, आप बोल रहे हैं इंतजार, इंतजार कहाँ कर रहा है? और आप 26,000 घरों में पहुंच चुके हैं। विक्रम जी, जी मौतों का इंतजार करें क्या यहाँ पर? सबसे पहले शर्म नहीं आती, आपको मैडम आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने 2 वीक में 3 बार इस प्रोग्राम को कर दिया है। लेकिन ये सरकार इतनी जबरदस्त नींद में है कि सोई हुई है, सारे ये चुनावी मोड में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब क्या जवाब देंगे? डॉक्टर साहब सब जानते हैं कि इनकी पार्टी और इनके जो मेयर हैं सारे टिकट मांगने में लगे हुए हैं, चुनाव में लगे हुए हैं। कि स्वास्थ्य मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का एक भी एक भी जनता झूठ बोल रही है, मैंने नहीं बोला है। डॉक्टर साहब आप मीडिया के लोगों पे आरोप मत लगाइए, ये मैंने नहीं बोला, जनता झूठ बोल रही है, जनता के जीवन का सवाल है। आप ये राजनीति नहीं है जो आप ये मीडिया के जो पर्सन है इनको धमका रहे हैं। आप जनता के स्वास्थ्य की चिंता करिए, आप सही बोलिए, आप सही बोलिए। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम, हमारी तो सरकार गई, हमें को मतलब नहीं है, ये गलत गैर जिम्मेदाराना चीज है। ये आपकी बात बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, हम वापस आएंगे, पूरी बहुमत के साथ आएंगे। आप कहां, अक्टूबर का महीना है और पूरे सब जगह अलर्ट है कि जीका का अलर्ट है, कहीं आप जाते हैं। नहीं तो इन्हीं के नेता बोलते हैं कि अगस्त का महीना तो मरने के लिए होता है, आपके अधिकारी आने से डरते हैं, राजस्थान तक तो अक्टूबर का महीना मरने के लिए राजस्थान में भी बना देंगे। माथुर जी देखिए, आप भी यकीन नहीं कर रहे सच्चाई पर क्या जो लोग कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है जो ये बीमारी की जो प्रकृति है, हाँ। आज ही हमने जो आपने दिखाया हमारी एसिस में, हम जो बोल रही थी, हमने प्रेस का सेंसिटाइजेशन इसीलिए किया है कि इस बीमारी से कोई मौत नहीं होती, फर्टिलिटी नहीं होती है खुशकिस्मती से, तो इसलिए ये डरने से वो अभी तक जो मरीज पाए गए वो सब ठीक है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल माइल्ड डिजीज होती है, बीमारी मानी जा रही है। आप कह रहे हैं कोई सीरियस बीमारी नहीं है? होती है सर, सीरियस बीमारी। आपको जिसके बारे में मालूम नहीं है आप बोले जा रहे हैं, इससे 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 आपको बैठा है तो आपको चिंता करनी चाहिए। जिस चीज का मालूम नहीं है उसके बारे में बहस कर रहे हैं। चिंता आप गए कभी एक ही मोहल्ले में एक व्यक्ति को संभाला आपने? आप डॉक्टर होने के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, आप सरकार की तरफ से। चलिए चलिए माथुर जी से जवाब देते हैं, स्वास्थ्य महकमे की बड़ी जिम्मेदारी। माथुर जी ठीक है, सियासी दांव मत खेलिए, अरे मेरा देखिए पर सियासी दांव मत खेलिए, माथुर जी को जवाब देने दीजिए। अग्रवाल जी जवाब लीजिए इनसे एक बार, ठीक है? ठीक है विक्रम जी, जवाब ले रही हूँ मैं, इसीलिए यहाँ पर फिर से हम बैठे तीसरी बार इस मुद्दे को लेकर के। सर ये बताइए माथुर जी, अगर आप बहुत एक्टिव थे तो डॉक्टर्स का ओरिएंटेशन अभी तक एक ही बार कल ही हुआ है, इसके पहले कहाँ थे आप, क्यों नहीं किया? बीमारी तो अभी ये जीका वायरस नई डिजीज है, इमर्जिंग हाँ। डिजीज है, तभी तो ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत थी। देखिए कोई भी काम होता है उसमें प्रायोरिटी देखनी पड़ती है, सबसे पहले हमने उसको
माइक्रो प्लान बना के वहाँ पे टीमें लगाई हैं, रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, बाहर से डॉक्टर्स मोबिलाइज किए हैं, एनएम्स आशा और लगाई हैं, नगर निगम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबको इन्वॉल्व किया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई है, उसके सेकंड स्टेप हमारा डॉक्टर्स का सेंसिटाइजेशन तभी आ गई थी सर, जब हमने पहला शो दिखाया था उसी समय टीम आ गई, सेकंड टीम आई है हमारी। हाँ। तो सेंसिटाइजेशन कल डॉक्टर्स का हुआ है और उसके बाद आज प्रेस सेंसिटाइजेशन हुआ है, तो हर चीज। अच्छा, ये स्वीकार नहीं कर सकते कि जिस आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैलता है, आप जानते हैं ना ये चीज, आप डॉक्टर है, शायद हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप जानते हो। वायरल इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैलता है, तो क्या उतनी ही तेजी आपको बचाव पर नहीं करनी चाहिए? स्टेप बाय स्टेप वेट करेंगे कि चार दिन में फाइल आगे बढ़ेगी, फिर एक हफ्ते बाद रिजल्ट आएगा, फिर हम आगे जाएंगे, वेट नहीं किया गया। पहले दिन से हमें पता पड़ते ही हम लोगों ने कार्रवाई की है, और जो कार्रवाई भारत सरकार के जो इसकी गाइडलाइन है। नगर में कुल कितने घर है, कितनी पॉपुलेशन, कितना एरिया बताइए। एक्चुअली जो इंडेक्स केस था इसके 3 किलोमीटर के वाले एरिया को, उसके लिए माइक्रो प्लान बनाया गया है, वहाँ पे 3 लाख पॉपुलेशन है और 30,000 घर है। हाँ। और कल तक हम लोग 25,894 लगभग 26,000 घर हम लोग कवर कर चुके हैं। अच्छा। टीमों की संख्या पहले जो 50 कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम तो कुछ बोलेंगे तो गलत ही होगा, है ना? हम तो कुछ बोलेंगे तो सिर्फ आरोप लगाते हैं, हम तो सच्चाई बोलते ही नहीं है, डिवाइड किया है सर। ठीक है, शिवेंद्र का रुख करेंगे फिर से। शिवेंद्र, कुछ और लोगों से बात कीजिए, क्योंकि इनको हमारी बातों पे यकीन नहीं है, क्योंकि सब तो जी जान से लगे हुए हैं, बस हम ही गलत अफवाह फैलाते हैं। सच्चाई बता दीजिए लोगों की जुबानी इनको जरा सा, और कुछ और तस्वीरें दिखा सके, ये बजबजाते ही एक जो तस्वीर नाली की आपने दिखाई, और दिखाइए जरा। हम और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले अग्रवाल जी को कहना चाहूंगा, जो मेयर अशोक लाहोटी की तरफदारी कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया चैलेंज करता है अशोक लाहोटी को, अगर उनमें हमारे सवालों के जवाब देने की हिम्मत है तो उनको भेजिए आधे घंटे स्टूडियो में, और घर के क्यों भागते हैं सवालों से। हाँ। अग्रवाल साहब वो लगे हुए हैं सांगानेर से टिकट लेने के लिए। हाँ। उनको जनता की चिंता नहीं है, मैंने कई बार नफा नुकसान है, शास्त्री नगर में वायरस फैल रहा है, ये भी अपना नफा नुकसान देख रहे हैं, कहाँ जाएंगे बच के, चलिए ठीक है, आप खाकी का दिखा रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं अशोक लाहोटी को, हम चैलेंज कर रहे हैं मेयर को कि वो आ जाए आधे घंटे हमारे स्टूडियो में बैठ ले हमारे सामने। आपके चैलेंज जनता त्रस्त है और लोगों से पूछते हैं, वायरस फैल रहा है शास्त्री नगर में, कोई टीम आई आपके घर? आज तक तो कोई टीम नहीं आई, लेकिन अधिकारी वो बैठे हैं स्टूडियो में, वो कह रहे हैं कि हमने तो सब जगह अधिकारी को बुलाओ ना, बात तो करे कौन आया कौन नहीं आया, अभी तक तो ना तो निगम का देखा है ना स्वास्थ्य विभाग का देखा, किसी को नहीं देखा हमने तो। कह रहे हैं कि शास्त्री नगर में हमने ज्यादातर घरों को कवर कर लिया, कोई आया आपके पास नहीं बुकिंग करने, बाधा करने? नहीं, तो सुन लीजिए अग्रवाल जी, सुन लीजिए, ये जनता है शास्त्री नगर की और जनता कभी झूठ नहीं बोलती। मेयर अशोक लाहोटी 40 लाख की जनता को संभालने में फेल हो गए हैं, उनका फोकस सिर्फ विधानसभा चुनाव है, उनको चाहिए कि जिस जनता के लिए वो मेयर है उसकी सुध लें, फील्ड में निकले, एयर कंडीशनर के ऑफिस में और घर में बैठना बंद करेंगे, जनता के बीच आएंगे तो उनकी नींद टूटेगी, उनको पता चलेगा कि जयपुर की जनता जानती होगी क्या है। यस, आई गॉट इट, मेरे को पता था अग्रवाल जी कि यही बात कही जाएगी, अब इस पे भी सुनिए अग्रवाल जी, जानती थी यही पॉइंट उठाया जाएगा, स्वच्छता के पैमाने पर आप किया है, आप अपनी स्वच्छता टाइम में देखिए कि आज से साल भर पहले हर काम में राजनीति मत करिए, आज से 5 साल पहले थी, केवल आप यहाँ पर राजनीति मत करिए, आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, आप शास्त्री नगर गए हैं क्या, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? शास्त्री नगर गया हूँ, लेकिन इसलिए ये जिम्मेदारी नहीं, जो जिम्मेदारी साथ मानवीय चेहरा होना चाहिए आपका, आपका मानवीय चेहरा देखा हुआ है, टीम गई है आपकी, कोई कार्यकर्ता गई है? अरे ये लोग दावा करते हैं कि हमारे लोग तो संकट के समय जनता के बीच में खड़े रहते हैं। अरे मैडम, पूरा डिपार्टमेंट 177 टीमें बनी हुई है, 25,000 के सर जी बता रहे हैं, आप माथुर सर ने बोला, आपने कहा ठीक है स्वास्थ्य महकमा गया, नगर निगम वाले गए क्या, डिप्टी मेयर गए क्या? चलो मेयर को छोड़ देते हैं, बड़े साहब पाक है, बहुत व्यस्त है वो, ऐसा वो तो और नए कीर्तिमान करने पर लगे हुए, डिप्टी मेयर का है, बता दीजिए। नगर निगम वाले सारे स्वास्थ्य विभाग जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, क्या कोऑर्डिनेशन? अभी पिछली बार माथुर जी से हमने पूछा था कि साहब को इसी बताइए कि आपको सहयोग मिलता है, उन्होंने कहा था उतना सहयोग नहीं मिलता, पिछली बार बताइए माथुर जी, आप झूठ मत बोलिएगा, नहीं नहीं ये बात नहीं, बहुत अहम जिम्मेदारी पर आप, बहुत अहम पद पर है, कोऑर्डिनेशन पूरा है, बराबर है, आपने कहा था कि आपकी तरफ से सुनवाई होती है, जो खुले पार्क है मीटिंग ले रहे हैं वो जो खुले प्लॉट्स पड़े हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लोगों से मत डरिए, ये गए
आप तो राजनीति राजनीति मत करो, लोगों को डराओ मत, लोगों को डराओ मत, उनको ये बताओ कि जीका वायरस, जीका वायरस के लिए ये बचने के उपाय, लोगों को डराना बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ आपकी चैनल से जीका वायरस से आप इस तरीके से बचिए, ये लीजिए ये अवेयरनेस, उनको आप इस प्रकार से डराते हैं। आप कैसे शर्मनाक बयान देते हैं, लगातार हम जैसे सिखा रहे हैं। सरकार क्यों वोट मांग रही है चैनलों के जरिए अपने विज्ञापन दिखा दिखा के? एक मिनट, आपने सवाल उठाया, आपने देखा कभी टीवी स्क्रीन पर क्या चल रहा है? आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं? मैं सबसे शर्म नहीं आती आपको ये बोलते हुए? कौन सी शर्म? 24 तारीख से हम अवेयर कर रहे हैं सुबह से। सुनिए, शर्म आपको आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए आपको। शर्म क्या बता रहे हैं? देखिए शर्म आपको आनी चाहिए। पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं कि एक चीज आपका जो काम है वो हम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे बचाव करें, आप खुद कैसे सचेत रहे हम बता रहे। बात और जी, आप तो कम से कम साफ कुछ बताइए, हम कब सबसे क्या कर रहे हैं? ये सारा मीडिया भी ठीक फोड़ देते हैं बेशरम लोग, बताइए सर। नहीं एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं बताइए, आपको डेवल सर आप किसको बेशरम कर रहे हैं? बिल्कुल बेशरम, आप किसको बेशरम कर रहे हैं? आपने ऑर्डर रखा है, सरकार को कह रही है, आप किसको बेशरम कर रहे हैं सर? बताइए माथुर जी, जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको बोल रही हैं। देखिए पहले मीडिया अवेयरनेस है कि नहीं, हम कर रहे हैं अवेयर कि नहीं? नहीं बिल्कुल अवेयरनेस है, और हम लोगों ने एफएम चैनल्स पर और जो रेडियो है, जो टीवी है, उस पे भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है सर, हम आपको और आईसी कैंपेन हम लोगों ने हैंडबिल्स पैम्फलेट्स आप मुहिम चला रहे हैं, डेवलप किया है एरिया के लिए, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये नहीं चला रहा है। और वो अवेयरनेस का कार्यक्रम पूरा शुरू कर दिया गया है, उस एरिया में अभी तक 17,850 हैंडबिल्स पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एरिया की जो मॉस्क्स है, मस्जिद है, वहाँ पर भी फ्राइडे के दिन जो दोपहर की नमाज, जो बचबचाती नाली की तस्वीर दिखाई है, ऐसे अगर कोई भी इलाका छूट जाएगा सर तो मच्छर तो वहाँ पर पनपेंगे, और वो एक जगह तक सीमित नहीं रहेंगे कि उसी नाली में घर बना लेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जो ये बीमारी एडीज एजिप्टाई मच्छर से फैलती है, जो साफ पानी में अंडे देता है, और भी बीमारियां तो होंगी ना सर, तो जो गंदगी घरों में की बीमारियां होंगी। देखिए अभी आप एसीएस मैम का विजुअल दिखा रहे थे, ये सफाई व्यवस्था है कि आप जल जमाव की आप मुहिम चला रहे हैं, लेकिन जल जमाव तो जगह जगह देखने को, उसका अलग रोल है। एक उसके अलावा जो घर के अंदर जो कूलर्स हैं, जो परिंडे हैं, या जो एक्वेटिक प्लांट्स लगे होते हैं, या जो टंकियां खुली हैं, उसमें ये मच्छर अंडे देता है। जो बाथरूम के ऊपर टंकियां रखी हुई हैं जो ढकी हुई नहीं है, तो हमारी तो विभाग की टीम बराबर वहाँ जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और उनमें दवाई डाल रही है, खाली भी करा रही है। तो हम यही चाह रहे थे कि कम्युनिटी, इसमें जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, उनको खुद को अपनी उसकी जब वो करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए मैं अब वक्त की कमी है विक्रम जी, एक ठीक है, बोलिए बोलिए अग्रवाल जी बोलिए। जो ये बीमारी है, ये बीमारी एक मादा मच्छर के काटने से फैलती है। अरे अरे तो आप बात तो पूरी सुन लीजिए। और ये जो पहले से जो व्यक्ति संक्रमित होता है उसके काटने से ही वो आगे फैलती है, ये केवल केवल आपके गंदगी के ढेर में मच्छर पैदा होके और इस बीमारी को पैदा नहीं कर सकते हैं। मच्छर से तो है ना बीमारी। अरे आप मच्छर तो मच्छर कोई को संक्रमित है ना, कोई भी बीमारी वायरस फैलेगी। अरे आप उस बात को समझिए, संक्रमित कोई रोगी आएगा, संक्रमित होगा, उसको मच्छर काट खाने से ही आगे बढ़ेगी। हमें पता है, हमें पता है मच्छर ही वाहक है। आप जो केवल केवल मच्छर ही वाहक है सर, हम भी जानते हैं, हम दिखा भी रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप जो जानते हो वो जीका वायरस के बारे में नहीं कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो जनरल डिजीज के बारे में कह रहे हैं। अपन जो बात कर रहे हैं वो जीका वायरस की डिजीज के बारे में, तो अगर कोई मच्छर मरा हुआ कैसे आप उसको देखेंगे कि कौन सा मच्छर है? हम जो बात कर रहे हैं वो आज जीका वायरस मच्छरों की बात कर रहे हैं, चाहे मलेरिया हो बीमारी, मच्छर से भी मच्छर को खत्म करना तो कैसे खत्म कर देंगे ये बताइए। चलिए ठीक है, वक्त नहीं है, संक्रमण दरअसल यहाँ पर लापरवाही का है। ये संक्रमण कब खत्म होगा नहीं पता, इसकी कौन सी एंटीबायोटिक आएगी नहीं पता है, क्योंकि बीमारी बढ़ती जा रही लापरवाही की, कोशिश की जाती है उसको ढांकने की, छुपाने की, जैसे कि आप कोई पेन किलर दे दीजिए और असल बीमारी को दबा दीजिए, उस मर्ज को दबा दीजिए, क्योंकि फौरी राहत आपको दे दी गई है, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो फिर से सामने आती है और वही तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ये शर्मनाक बयान देते हैं हमारे जब सियासतदान, तो वाकई में शर्माती है सिस्टम पर, वाकई में शर्माती है कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, ये सियासतदान क्या कर रहे हैं। हम लगातार मुहिम चला रहे हैं ताकि आपको जीका से बचाया जा सके, ताकि आप खुद अपनी रक्षा कर सके, क्या लक्षण है इस केस को जान सके, कैसे इससे बचाव कर सके वो जान सके, और साथ ही स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है वो भी आप जान सके। लेकिन कोशिश हमारी जारी रहेगी, भले कुछ भी आप कहते रहें, आपसे सवाल तो हम पूछेंगे और जवाब भी लेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना।